लोकसभा चुनाव को लेकर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव संचालन समिति की बैठक लेने सिरोंज पहुंचे, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पंचायत मंत्री की अगवानी की। इसके बाद पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगामी कार्यक्रम को लेकर नगर में चुनाव संचालन समिति की एक बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री पटेल ने आगामी 2 मई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा की तैयारियों की समीक्षा कर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक सुझाव देने के साथ नरेंद्र मोदी को फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाने के प्राण से जुट जाने का आह्वान किया। कुछ जगह पर मतदान जो प्रभावित हुआ है उसमें तापमान भी है, वैवाहिक तारीखें भी थी, और उससे ज्यादा मैं मानता हूँ कांग्रेस की निष्क्रियता। ऐसा नहीं कि सब जगह पर हुआ है, वो ट्रेंड नहीं है। बालाघाट में पिछली बार से ज़्यादा हुआ है, मंडला है, छिंदवाड़ा है, यहाँ 80% हुआ है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड नहीं है, लेकिन जहाँ पर वैवाहिक परिस्थितियाँ ज़्यादा थी या मौसम की प्रतिकूलता थी वो ज़रूर वहाँ प्रभावित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चरण से उसको संज्ञान में लिया है, और पहले चरण में मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे लिए मतदान प्रतिशत ठीक था, लेकिन पार्टी हमेशा मानती है कि हम बेहतर मतदान की तरफ जाएं, और हम हमेशा 100% मतदान की बात करते हैं। आरक्षण और खासतौर से मुस्लिम आरक्षण को आप किस तरह, कांग्रेस पर मेरा आरोप है कि वो पिछड़ों का हिस्सा लेकर वो अपने चहेतों को देना चाहती है, मेरी राय ये है। और इसलिए कांग्रेस की नज़र में इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का हो सकता है, लेकिन मोदी की नज़र में इस देश के गरीबों का पहला अधिकार इस देश की संपत्ति पर है। उसमें SC ST और OBC जो बहुसंख्यक समाज है, जो वास्तव में जिस बात को ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है।